आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री बॉक्स के मतलब पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हम ज्योमेट्री के मतलब बात करेंगे। इसके बिल्कुल इनिशियल है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि ज्योमेट्री क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। ज्योमेट्री बॉक्स रूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास, आप सब जानते हैं, एक डस्टर होता है। तो डस्टर हर ज्योमेट्री के अंदर मौजूद होता है। ये हमारे पास क्लास के लिए ज्योमेट्री जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम हम यहाँ पर देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, मेजरिंग रूलर है, ठीक है। स्केल भी इसे कहते हैं हम। तो इसके ऊपर आप देखें कि ये ग्रेड जो है वो इसके ऊपर लगाया हुआ है, 0, 1, 2, 3 से लेकर 35 तक, ठीक है। और यहाँ पर ये इंचीज में लिखा हुआ है, 0 से 13 तक। अच्छा, इसमें बड़े बड़े पैमाने भी होते हैं। इसकी ये है कि जो स्केलिंग होती है हमने अपने हिसाब से की होती है, और इसमें आपने परेशान नहीं होना। छोटा पैमाना भी आपके पास ज्योमेट्री में होता है तो उसके ऊपर भी ऐसी स्केलिंग होती है। हो सकता है जो पैमाना आपके पास ज्योमेट्री में है उसमें 0 और 1, 2 जो है वो बिल्कुल छोटी सी लाइन बने, और यहाँ पर आप देखेंगे कि शायद उससे थोड़ी सी बड़ी लाइन बन जाए, ठीक है। तो हम इस ये हमारे पास क्या है, मेजरिंग रूलर, स्केल भी कहते हैं हम इसे, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास है, ये चीज आपको नजर आ रही है, कंपस है। ऐसे ओपन हो जाती है, इसको एडजस्ट किया जाता है, हम यहाँ से भी एडजस्ट हो जाती है, ये थोड़ी सी लूज हो जाती है अगर हम इसको खोलते हैं, बंद करते हैं। ये यहाँ पर फिक्स करना होता है इसको, हमने इस बोर्ड के ऊपर ऐसे, या कॉपी के ऊपर आपके पास जो छोटी ज्योमेट्री है उसमें, और यहाँ इस जगह पर हम इसमें लगाते हैं मार्कर। और आप जो छोटी ज्योमेट्री है आपके पास, छोटा ज्योमेट्री बॉक्स है, आप उसमें क्या लगाते हैं, छोटी सी एक लेड पेंसिल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें लगाएंगे एक पॉइंटर, ये पॉइंटर है हमारे पास, ये पॉइंटर्स के अंदर ऐसे हम फिक्स करेंगे। फिक्स कैसे करना है, ये जो चीज हमने यहाँ इसके ऊपर फिक्स करनी है, ये वाली चीज, इसके जो बराबर पे इसकी नोक होनी चाहिए, इसकी नोक, ठीक है। इसकी जो निकल नोक बनेगी, नीडल बनेगी, वो इसके बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक इसके सर्कल भी ड्रा करके देखते हैं क्या होता भी है, या ये बस ऐसे ही ड्रामे है हमारे पास। चलो जी, ये हाँ, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स है यहाँ पर, नियर जो आप कॉपी के ऊपर करेंगे तो ये बड़ा फिक्स होगा, यहाँ पर ये फिक्स हो गया है। तो हम इसके, पता नहीं होता ये क्या चीज़ है, ये हमारे टीचर्स हमें बताते भी नहीं है कि इसको क्या कहते हैं और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, इसकी क्या वजह है। तो असल में तो ये भी पैमाना ही है, स्केल ही है, देखिए आप साइडों पे लगे हुए हैं। अच्छा जी, ये होते किस लिए हैं, ये एक शक्ल क्या है, एक ट्राइंगल है, तीन कोने हैं, तीन एंगल बने हुए हैं। तो ये वाली जो छोटी ट्राइंगल है इसको हम कहते हैं सेट स्क्वायर 45 डिग्री। क्या कहते हैं इसे हम, सेट स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि इसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल जो है वो 45 डिग्री के हैं, इसलिए ये सेट स्क्वायर 45 डिग्री है। अगर हम इसको इस तरह से इधर यहाँ पर और इसी तरह उठा के हम ऐसे लगाएं तो हमारे पास 40 डिग्री का एक स्क्वायर बन जाएगा जिसमें, अच्छा जी वैसे हमें जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एक 40 सेट स्क्वायर है 40 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पर ये है मेरे पास दूसरा इसका हिस्सा, ये इससे थोड़ी सी बड़ी है, देखें आप, और इसके एंगल भी डिफरेंट है। तो ये मेरे पास क्या है, सेट स्क्वायर 30 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये क्या है, सेट स्क्वायर 30 डिग्री भी है, सेट थर्टी डिग्री भी और 60 डिग्री भी। 30 डिग्री कहाँ पर है और 60 डिग्री कहाँ पर है, ये है 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री है, और ये मेरे पास 60 बनेगा और ये मेरे पास 30 बनेगा, आप इसको देख भी सकते हैं। अच्छा जी साहब, ये चीजें थी जो हम आमतौर पर ज्योमेट्री में इस्तेमाल नहीं करते, ये दोनों चीजें आमतौर पर ज्योमेट्री में यूज नहीं होती, ठीक है। अब मेरे पास आखिरी चीज, वैसे तो जितनी बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें काफी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन हम हमें जो बेसिकली चाहिए थी वो, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये प्रोटेक्टर जिसे हम कहते हैं, और आम जुबान में इसे हर कोई अपनी लोकल लैंग्वेज में इसे डी बोलता है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टर, ठीक है। तो इसके इसका इस्तेमाल क्या है, ये यहाँ पर आप देखें कि एंगल्स जो है वो इसके ऊपर पॉइंट आउट किए हुए हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है 90 डिग्री, फिर 100, 110, 120, 130, 40। अच्छा, ये 10 10 के
वक्फे से बनाए, इनके दरमियान जो देखिए छोटी छोटी लाइनें हैं, अगर मैं 45 डिग्री का बनाना है एंगल तो ये यहाँ पर बनेगा, अगर मुझे 56 का बनाना है तो थोड़ा सा इस लाइन से आगे चले जाएंगे, मतलब ये जो पैमाना है इसमें जो स्केलिंग है इस एक के दरमियान में 10 पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है, मतलब कि ये जो चीज है हमारे पास ये यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही यूनिट बनता है और इसके अंदर 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप देखें अगर हम इधर से एंगल बनाना शुरू करें तो इधर भी 0 10 ग्रेडिंग दी हुई है, अगर हम इधर से एंगल को ड्रा करना शुरू करें तो यहाँ भी। इसका असली तरीका क्या होता है कि हम एक लाइन लगाते हैं, उस लाइन के ऊपर हमने इसका मिड को मिड पॉइंट, ये 90 डिग्री और ये मिड पॉइंट यहाँ पर बनता है, ये इसको फिक्स कर लेते हैं लाइन के एक साइड पर, ठीक है। फिक्स करने के बाद हम यहाँ से रीडिंग शुरू करते हैं, इस साइड से, इस साइड से नहीं रीडिंग शुरू करते, इस साइड से 0 10 20 45 जो जितना भी एंगल आपने ड्रा करना है उस पे हम निशान लगा लेते हैं और बाद में एक हम वहां से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये थे हमारे पास ज्योमेट्री टूल्स जिनके मतलब हमने थोड़े से इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके बाद हम जो है वो बाकायदा ज्योमेट्री सीखेंगे, इससे किस तरह से एंगल ड्रा किए जाते हैं, किस तरह से प्रोट्रैक्टर इस्तेमाल होता है, किस तरह हम कंपास को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल जो है वो दुरुस्त एंगल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो है वो 9th 10th में आपने प्रॉब्लम्स पढ़े होते हैं, प्रॉब्लम जो होते हैं ज्योमेट्री वाले वो भी हम जो है वो इसके साथ ड्रा करेंगे और उसको बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसके जरिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हल करेंगे और कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे और हम ड्रा करेंगे एंगल्स।